महमूदाबाद क्षेत्र के बाबा कुटी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए कि ये जो पानी भरा नज़र आ रहा है और यहाँ की जो विधानसभा है वो महमूदाबाद है और यहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो है शासन प्रशासन सिर्फ वोट के समय जो है गांव तक जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये पानी इस तरीके से भरा है और अगल बगल जो है दुकानें हैं। अब सोचिए इस तरीके से बीमारियाँ फैल रही हैं और पानी भरा है, अगर लगातार जो है पानी भरा रहेगा तो सोचिए कि इससे लोगों को बीमारी हो सकती है। और इधर से हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से जाने वाला रोड जो है कई गाँव में होकर के गुजरता है और सहदेवा तक जाता है। और यहाँ पे देखिए जो अगल बगल दुकानें हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि कितने दिन से जो है यहाँ पे पानी भरा है। अब पानी देख करके इतना कीचड़ है, इतनी गंदगी फैली हुई है। दादाजी आपके दुकान के सामने, आपकी दुकान है ये? हाँ। नाम क्या है आपका? विक्रम। अच्छा ये बताइए कितने दिन से ये पानी भरा है? ये पूरे साल भरा रहते है। हमेशा? हमेशा पूरे साल साल। हाँ। जन को जो बरसत है। हाँ। तो पूरे पूरे तो साल। अभी ज्यादा पानी जब भरेगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा? और ज्यादा हुई। कैसे कस्टमर आते हैं वो कीचड़ में होकर के? हाँ बिल्कुल आवत है, उनकी कावे खावे आवते नहीं है। आज पर्व का महीना है। रोड है इसका जो है थोड़ा सा ऊंचा करा दिया जाए तो ये जो है पानी इतना नहीं भरा जाएगा। तो ज्यादा, लेकिन आज को सुनवाई की विधानसभा क्या लगती है? महमूदाबाद। विधायक का कौन है? आशा मौर्या। आशा मौर्या है विधायक का। और देखिए जब चुनाव का समय आता है तो घर घर वोट मांगने जाते हैं और हाथ जोड़ते भैया वोट हमें दियो, कमल वाला बटन न बोले हो। लेकिन वो कीचड़ देख करके सोचिए, कहते कमल कीचड़ में नहीं खिलता है। वाकई में बात सही है, लेकिन यहाँ पर अगर नजर डालेंगे तो कीचड़ के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों भाई आप लोग यही रहते हो? क्यों दादा आप लोग यही रहते हैं? ये पानी कितने दिन से भरा है लगभग? पानी जब बरसात होती है तो हमेशा इसी तरह हमेशा भर जाता है। हाँ जब बरसात। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि ये जो है कम से कम यहाँ की व्यवस्था करी जाए और ये पानी जो है निकास की कहीं व्यवस्था की जाए? प्रयास तो की जाते है, कहा जाता है इसे, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ कोई? आप लोग जो है ये यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं और देखिए कि अगल बगल कितनी दुकानें हैं, लोग आने जाने वाले बहुत समस्याओं से गुजरते हैं। और अगर एक तरीके से देखा जाए अभी कोरोना जैसी बीमारी से लोग जो है जूझ चुके हैं और एक तरीके से आई फ्लू भी स्टार्ट हो गया है, लोग उससे भी परेशान हैं। लेकिन पानी इस तरीके से अगर लगातार जो है भरा रहेगा तो सोचिए कि आदमी जो है और भी बीमारियों से जो है जूझेगा। तो और भी देखिए यहाँ पे दुकानदार हैं। भैया कितने बार निकलते हो यहाँ से बताओ? पहले आप बताओ निकलते हो कि नहीं निकलते? एक दो बार निकलते हैं बस दिन। एक दो बार तो इसी पानी में होके चले जाते हो? कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो है ही है। परेशानी है? परेशानी क्यों नहीं? तो नहीं चाहते कि परेशानी कभी मिटे? मिटे क्यों नहीं, हम तो कल मिट जाए। यहाँ के जो विधायिका हैं और यहाँ के जो प्रधान हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो लगातार विकास के नाम पे दावे करती है सरकार, डबल इंजन की सरकार है पता है आपको? तो डबल इंजन की सरकार जो है लगातार दावे करती है कि गड्ढा मुक्त भारत हो गया है और भारत जो है इस तरीके से स्मार्ट बन रहा है, बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। लेकिन कैसे माने कि देश बदल रहा है? ये सारे लोग निकल के जा रहे हैं, देश बदल रहा है। ये देखिए जरा ये देश बदलती तस्वीरें हैं, जरा ये तस्वीरों पर नजर डालिए कि ये देश बदल रहा है। क्यों भाई? दादा यहीं रहते हो? ये घर है आपका? हाँ। तो दादा आपके घर के सामने है, सॉरी बेटा, घर के सामने है और अगर देखा जाए तो बीमारियां फैलती कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा परेशानी तो है ही है। तो आप लोग नहीं चाहते कि सही हो? अरे हम चाहने से क्या होता, हम तो चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहेंगे तो कैसे सही होगा? अरे हम लोग तो चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला तो नहीं है। सुनने वाला नहीं है? योगी सरकार है, योगी सरकार में सब सुनते हैं। नहीं सुनते योगी सरकार? नहीं कोई नहीं सुनने, योगी सरकार में कोई नहीं आता है तो कौन सुनेगा? कोई देखने भी नहीं आता है? कोई नहीं आता है। अच्छा एक बार विधायक जी आ जाए तो विधायक जी से कहते कीचड़ में निकल के दिखाओ। हाँ वो निकल जाएंगे बीच में, निकल जाएंगे है ना, वोट लेना है तो निकल जाएंगी। लेकिन क्या जनता 5 सालों के लिए जो वोट मांगने के लिए विधायक आते हैं और हमेशा के लिए ये जनता यहाँ पे रहती है और इन्हीं के वोट से वो ताज पहन लेती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश बदलने की तस्वीर बदलने की बात होती है, लेकिन ये कीचड़ भरा का और भरा ही रह जाता है लेकिन तस्वीरें बदलती रहती हैं। अगर आप देखेंगे ये, अगर ये रोड जो है बहुत ही वहाँ तक देखिए कि कीचड़ भरा हुआ है और मेन हाईवे से जुड़ा हुआ रास्ता है, कभी विधायक आए और एक बार इस कीचड़ में निकल कर दिखाए तो मैं जानूं कि वोट मांगने के लिए तो आप आ जाते हैं दरवाजे दरवाजे तक। एक बार कीचड़ में निकल कर दिखाइए जिस तरीके से ये अगल बगल
लोग जो है रहने वाले हैं। और देखिए नाली में इतना कीचड़ भी भरा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन की जो मोदी सरकार है दावे करती है कि भारत जो है स्वच्छ हो गया, कैसे मान लें कि स्वच्छ हो गया है। अब उधर देखिए जो सारे लोग खड़े हैं, अब ये कीचड़ में होकर के हम जाएं बात करें उनसे, और देखिए कितने सारे लोग हैं। सावन का महीना चल रहा है।